हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन ईयर सेज दैट द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स इज एबसेंट इन फोर ऑप्शंस आर गिवन ए ग्रास लैंड बी पॉन, सी फॉरेस्ट एंड डी लेक तो यहाँ चार ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि किसमें अपराइट पिरामिड नहीं होता एब्सेंट होता है तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर हमें एक ये एक डायग्राम होता है जो हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच स्टेज इन अ फूड चेन या फिर ट्रॉफिक लेवल तो अब हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते रहें तो जो ग्रास लैंड है ए ग्रासलैंड ग्रासलैंड में हमारा जो पिरामिड है वो अपराइट होता है क्योंकि ग्रासलैंड में जो ग्रासेस होती है उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है फिर उस पर फीड करने वाले जो हर्बी वोर्स होते हैं उसका नंबर रिलेटिवली उससे कम होता है फिर उस पर फीड करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनका उससे कम होता है और टॉप कंज्यूमर का और भी कम होता है तो इस तरह से हमारा अपराइट होता है तो बी है पॉन्ड पॉन्ड इको में क्या है इसमें भी हमारा अपराइट ही होता है क्योंकि जो पॉन्ड में प्रोड्यूसर है प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं फाइटो प्लैंगटॉन्स और फाइटो के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं उस पर फीड करने वाले छोटे जो फीसिस हैं उनके नंबर उससे कम होते हैं रिलेटिवली और उस पर जो बड़े फीस हैं उनके और भी कम होते हैं तो इस तरह से ये भी हमारा अपराइट होता है अब बात करें सी की तो सी है हमारा फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो स्पिंडल सेप का होता है स्पिंडल सेप मतलब इसका जो बेस होता है वो सबसे नैरो होता है हमारा बेस सबसे नैरो होता है जिसमें हमारे ट्रीज आ जाते हैं ये ट्रीज बहुत ही तो, मतलब रिलेटिवली अगर बात करें तो इनका नंबर कम होता है और जो इस पर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं लाइक जो हर्बी वोर्स हैं हर्बी वोर्स इनका नंबर ट्री के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है और जो इस पर फीड करने वाले सेकेंडरी होते हैं उनका रिलेटिवली थोड़ा और कम होता है हर्बी वोर्स से जैसे कि ये कार्नी वोर्स होते हैं तो इस तरह से इसका जो सेप है वो एक स्पिंडल सेप में होता है इसको हम इन्वर्ट मतलब नॉट अपराइट है ये अपराइट नहीं है और इस पर जो टर्सरी है वो और भी कम होते हैं तो इस तरह से हमारा राइट right ऑप्शन होता है ऑप्शन सी डी को भी डिस्कस कर लेते हैं जो डी है तो डी हमारा है लेक डी है लेक इकोसिस्टम तो लेक भी पॉन्ड की तरह ही होता है इसमें भी हमारे जो प्रोड्यूसर है प्राइमरी प्रोड्यूसर उनका उनका नंबर ज़्यादा होता है क्योंकि ये फाइटो होते हैं उस पर फीसेस छोटी होती हैं फिर लार्ज फीसेस और भी कम होती सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉरेस्ट दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट विल बेस्ट ऑफ लक